सब्सक्राइब कीजिए एडिश ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीजों को जानने के लिए। दोस्तों, हम सभी फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं अपने आसपास के जो रिलेटिव से फ्रेंड्स से उनके फोटोज में कई बार बहुत सारे लाइक्स होते हैं। शायद हम भी सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने फोटोज पे बहुत सारे लाइक्स को बढ़ाएं। ऐसे में बहुत सारे लोग फेसबुक ऑटो लाइकर्स को इस्तेमाल करने लगते हैं। तो आप ये वीडियो को पहले से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए। आज मैं आप सभी को ये वीडियो पे फेसबुक ऑटो लाइकर्स के बारे में हर वो चीज बताऊंगा जिसको कि जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को एडिश ट्यूटोरियल्स पे। आइए जानते हैं। दोस्तों, यहां पे हम देखते हैं, पहले हम फेसबुक ऑटो लाइकर्स इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, क्योंकि हम बहुत डेस्परेट होते हैं। हम चाहते हैं हम कैसे अपने फोटोज पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स लाए, नहीं तो हम फेक के लाइक्स, जो कि हमको खुद को पता है वो फेक के लाइक्स है, हम वो क्यों इस्तेमाल करेंगे। दूसरों को भी ये पता होता है कि ये फेक के लाइक्स है, हम बस काउंट के चक्कर में इसको हम यूज करने लगते हैं। इस वजह से जो होता है, बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे साइट्स होते हैं जो कि फेसबुक ऑटो लाइक को प्रमोट करते हैं, और ऐसे लाखों साइट्स बन चुके हैं जो कि हमारे जो हम जो डेस्परेट होते हैं ना, हम चाहते हैं कैसे हम अपने लाइक्स को बढ़ाएं, उस वजह से बहुत सारे साइट्स अभी मार्केट में आ चुके हैं। जानने की पहले कोशिश करते हैं कि फेसबुक ऑटो लाइकर्स काम कैसे करता है। बेसिकली आपके प्रोफाइल जो होता है, फेसबुक प्रोफाइल के सेटिंग में आपको अपना जो पोस्ट होता है उसको पहले पब्लिक करना होता है। पब्लिक करने का मतलब जो भी व्यूअर्स है वर्ल्ड वाइड वो आपके फोटोज को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो ऐसे कई सारे साइट्स होते हैं ऑनलाइन जहां पे जब आप वहां पे विजिट करते हो तो वो आपको कुछ समय में वो आपको बहुत सारे लाइक्स देते हैं। हालांकि कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जो कि जेन्युइनली आपको कुछ समय में ज्यादा लाइक्स देते हैं, जो कि अनरियल होता है, कुछ भी रियलिस्टिक वो नहीं है। मतलब आप 15 मिनट में आपको 200 तक लाइक्स वो देंगे, आपको फिर कुछ समय के लिए वेट करना होगा, फिर 15 मिनट में आपको 200 लाइक्स देंगे, मतलब आपको एक घंटे में लगभग आपको 800 लाइक्स मिल जाते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको अपने सेटिंग में उसको पब्लिक करना होगा पहले वो सेटिंग में जाके, उसके बाद आपको वो साइट को विजिट करना होगा। नीचे एक लिंक होगा, वो लिंक के मदद से आप एक टोकन को जनरेट कर सकते हो। आपने एक बार वो लिंक को क्लिक किया, मतलब वो रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके फेसबुक अकाउंट में। तो वहां पे उन वेबसाइट्स के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो कि परमिशन मांगते हैं आपके फेसबुक प्रोफाइल को एक्सेस करने के लिए। आपने एक बार अगर उसको अलाउ कर दिया, मतलब वो जो होते हैं वो आपके अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कुछ साइट्स ऐसे होते हैं जहां पे आप खुद अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देते हो और नीचे एक टोकन मिल जाता है आपको। वो टोकन को बेसिकली आपको लेके जाना होता है और वहां पे नीचे सबमिट करना होता है। आपने एक बार सबमिट कर दिया, मतलब वहां पे आप पूरी तरह लॉग इन हो जाते हो, रजिस्टर हो जाते हो, फिर वहां पे आपका जो प्रोफाइल पोस्ट होता है, फेसबुक प्रोफाइल होता है, जो भी होता है, आप वहां पे कुछ समय के लिए, एक बार आपने सबमिट क्लिक कर दिया, मतलब आपकी फोटो में 200 से 300 लाइक आपको मिल जाते हैं वहां पे। तो बेसिकली ये काम किसे करता है, आप एक यूजर हो, आप जिस तरह गए हो वहां पे ऑटो लाइक के लिए, वैसे कई सारे लाखों यूजर्स होते हैं जो कि ऑटो लाइक के लिए जाते हैं। तो उन यूजर्स के पासवर्ड उन वेबसाइट्स को पता होता है, तो वो आपके जो अकाउंट होता है उसमें उन यूजर्स का जो अकाउंट होता है उनसे वो आपको लाइक करते हैं, और बाद में आप भी जो होते हो उनके अकाउंट को बाय डिफॉल्ट आप लाइक करने लगते हो। वो ये लाइक फॉर लाइक की तरह ही काम करता है, आपने लाइक किया वो लोग भी लाइक करते हैं। तो बेसिकली वो जो टोकन होता है जो आपको मिलता है ना, वो आप समझ लो वो आपकी पासवर्ड ही है, तो आपको पता नहीं चलता है, आपने उनको अपना पासवर्ड दे दिया है तो वो कुछ भी कर सकते हैं उससे। अब मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है तो आप यहां पे शायद बंद करके चले भी जाओगे फेसबुक ऑटो लाइकर इस्तेमाल करने, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको इसका कॉन्सिक्वेंस जाना बहुत ही जरूरी है। यहां पे पहला कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, आपने अपना जो फेसबुक का प्रोफाइल है उसको पब्लिक किया है। पब्लिक का मतलब होता है आपका जो प्रोफाइल होता है वो दुनिया भर हर लोग जो होता है वो आपको देख सकते हैं, सबको ही वो देख सकते हैं, इंक्लूडिंग हैकर्स। तो वो आपके लाइक जो होता है उसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी जो चीज होता है, जो कि सबसे मेन चीज है, वो क्या होता है, वो जो टोकन आपने दिया है ना, वो टोकन आपका पासवर्ड ही होता है। वो पासवर्ड एक बार उन वेबसाइट को पता चल जाता है, मतलब आपको क्या पता वो वेबसाइट आपके अकाउंट को हैक कर देंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा क्या क्या एक्टिविटी चल रहा है आपके अकाउंट में। वो वहां पे लाइक करने लगेंगे किसी दूसरे अकाउंट को, वो वहां पे शेयर करने लगेंगे कुछ भी चीज, कमेंट करने लगेंगे किसी दूसरे के
फोटो पे, तो आपको पता नहीं चलेगा। इसके अलावा ये स्पैमिंग भी करते हैं, मतलब अलग अलग वेबसाइट्स को प्रमोट करने लगते हैं, फ्री एड्स डालने लगते हैं, वहां पर शेयर करने लगते हैं, कई कई जगह पे आपके फ्रेंड्स को भी वो लिंक भेजने लगते हैं, जो कि स्पैमिंग होता है, जो कि फेसबुक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। तो आप फेसबुक पॉलिसी के अगेंस्ट हो तो आपने कुछ किया है, मतलब आपके अकाउंट में कुछ अनआइडेंटिफाइड एक्टिविटी आ जाता है तो फेसबुक आपको पूरी तरह बैन कर सकता है। तो यहां पे आप जब भी वो टोकन को इस्तेमाल करते हो, वो फेसबुक पहले से ही पूछता है कि अनआइडेंटिफाइड कुछ चीज है जो कि आपके अकाउंट में हो रहा है, तो आपको वहीं पे ही बंद करना होता है। आप उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ते जाते हो तो आपको पता नहीं होता है आपके अकाउंट के साथ क्या होता है। इसके अलावा साइबर क्राइम भी होता है, कुछ अकाउंट अगर आपके अकाउंट से कुछ भी इलीगल चीज हो रहा है ना, तो आपको ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि आपने ही वो आईडी दिया है, आपके पासवर्ड से ही वो हुआ है। तो इसमें बहुत ही एक बुरी चीज होता है। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा, आप फेसबुक ऑटोलाइक को इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलग अकाउंट से भी इस्तेमाल करने लगते हैं, खुद के अकाउंट में वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो दूसरे अकाउंट को जाते हैं, दूसरे अकाउंट से भी वहां पे वो इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन दूसरे अकाउंट से भी जब भी आप इस्तेमाल करने लगते हो तो उनके डेटाबेस में वो मेंटेन होता रहता है कि कौन से अकाउंट से क्या क्या लाइक हुआ है, तो उसको भी उस पर भी वो कुछ भी कर सकते हैं वहां पे। तो आपको पता ही नहीं रहता है कि कौन से अकाउंट से क्या हो रहा है। तो ये पूरी तरह मतलब आप ही खुद अलाउ कर रहे हो, आप ही परमिशन दे रहे हो उन वेबसाइट्स को कि आपका अकाउंट जो होता है वो उनको हैक करे। ये बहुत गलत होता है। यहां पे आपके अगर जेन्युइनली 10 लाइक्स भी आते हैं ना, तो उसमें क्या बुरी चीज है? आपका अगर 10 भी यहां पे लाइक्स आ रहे हैं, किसी दूसरे के अकाउंट में अगर 50 लाइक्स आ रहे हैं, किसी के पास 100 लाइक्स आ रहे हैं, उसका मतलब क्या ये है कि आप छोटे हो? नहीं होता है वो। इससे अच्छा यही है कि आपको तो फेसबुक अलाउ करता है आप अपने अकाउंट पे 5000 फ्रेंड्स को ऐड करते हैं, तो आप 5000 फ्रेंड्स वहां पे ऐड कर सकते हो जेन्युइनली। वहां पे तो आपको ऐसे ही 1500 लाइक्स आ जाएंगे। या फिर आप एक काम करिए, आप कुछ अच्छा काम कीजिए, वहां पे आप सेलिब्रिटी बन जाओगे, वहां पे 1000 के आपको लाखों लाइक्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ये ऑटो लाइक्स यूज करना बहुत ही खराब होता है, मैं आपको बता दूं। मैंने खुद ये इस्तेमाल किया है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ये किस तरह काम करता है, ये कैसे कैसे इसमें गलती होता है और कैसे आपके अकाउंट को पूरी तरह ये हैक किया जाता है। तो ये बहुत गलत होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज से आप फेसबुक ऑटो लाइकर्स इस्तेमाल करना बंद करेंगे और ये आपके अकाउंट के लिए बहुत ही गलत होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको फेसबुक ऑटो लाइकर्स के बारे में कुछ पता चला है। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। मैं इसी तरह टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।